बच्चे अगवा हो रहे हैं, बाद शहरों की इत्तला आ रही हैं, तो बच्चे अगवा होने से बच सकें इसका कोई अगर इस तरह कोई रूहानी इलाज हो, जो एहतियाती तदाबीर हैं ज़ाहरी तौर पर वो अल्लाह तौफीक दे, लेकिन अगर इसकी भी कोई अगर हो ना कि वालिद कर लें या वालिदा कर लें या कोई भी कर ले, बच्चा अमूमन ये नहीं कर सकता, नहीं पढ़ सकता, या ऐसा कोई इसके साथ किया जाए कि अल्लाह करे कि ये बच्चे जो अगवा हो रहे हैं अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए। एक कागज पर आप लिख लें वालिदैन, कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह, और इसको प्लास्टिक कोटिंग करके बच्चे के गले में डाल दें, अल्लाह ने चाहा तो इनको कोई अगवा नहीं कर सकेगा। ये इस तरह लिखना है कि जहां जहां दायरे वाले हरूफ है ना, जैसे कल्लत का काफ दो नुक्ते वाला, तो इसका काफ के बीच में कागज नजर आएगा, ये इसको मुंह खुला रखना कहते हैं। इस तरह जो भी गोल गोल हरूफ आएंगे ना, कल्लत हीलती अंत वसीलती, वाव का मुंह खुला रहेगा, अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह, अब इसमें जाकर हा का मुंह भी खुला रहेगा आखिर में। ये उसूल है तावीज़ात का कि जब तावीज़ लिखें तो इस तरह इनके मुंह खुले रखे जाते हैं। तो ये आप लिख लें, इसको प्लास्टिक कोटिंग करके खुद भी पहन लें, बच्चों को भी पहना दें, इसमें एराब जेर जबर पेश लगाने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने चाहा तो आपको कोई अगवा नहीं कर सकेगा, आपके बच्चे को अगवा नहीं कर सकेगा। साथ में ये भी करना है आपने, या हाफिज़ो या हाफिज़ो 11 बार रोजाना पढ़कर बच्चों को दम कर दिया करें, और ये तावीज़ भी डाल दें इनको। अगर बच्चे पढ़ सकते हैं वुजू में तो मदीना मदीना, ना पढ़ सके तो कम से कम बड़े जो हैं ये वुजू के हर पार्ट, वुजू का हर उज्व वुजू में धोते वक्त या कादिरो ज़रूर पढ़ा करें, लेकिन वही एहतियात करनी है, अगर अटैच बात है और बाथरूम पेक नहीं है दीवार से या किसी चीज़ से, पर्दे से नहीं, पेक हो जिसमें बाकायदा दरवाज़ा हो, कि जिसको ये कहा जाएगी तो ये अलग है ये अलग है, इस तरह मतलब ये कि तो वहाँ पढ़ सकेंगे अटैच बात में बेसिन पर वजू करते हुए, वरना भी नहीं पढ़ सकते।